हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम यहाँ पर बहुत ही खास तरीके से और एक झटपट बनने वाली सब्जी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी टेस्टी टमाटर प्याज की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम की है। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच आप ऑयल डालें और ऑयल गरम होने के बाद इसमें डालें एक चम्मच जीरा, एक पिंच हींग। और इसमें मैंने ऐड किए हैं 5-6 लहसुन की कलियां, इनको घिस के डाला है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी घिस के ऐड किया है। अब इन्हें आप थोड़ा सा भून लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर इसे आपको भून लेना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें आपको ऐड करना है प्याज। तो इसके लिए मैंने यहाँ ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए और इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया। ये प्याज हमें इसमें डाल देने हैं और प्याज डालने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से आप भून लीजिए। लगातार चलाते रहिए और चलाते हुए इन्हें हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। एकदम ज़्यादा डार्क ब्राउन इन्हें नहीं भूनना है। हल्के से ये भून जाएंगे इस तरह, तो हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए आप भून लीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभी जब घर में सारी हरी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं तो आप इस तरह टमाटर प्याज से भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए फटाफट बना सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी है तो एक ख़ास सब्जी के तौर पे आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह प्याज भुन गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। मैंने यहाँ ये 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। 2 हरी मिर्च, इनको भी बारीक कट करके डाला है। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए और इन टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें यहाँ इनको पकाना है। यहाँ पर ये टमाटर थोड़ी ही देर में अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह दबाने पर टमाटर अच्छी तरह दब रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमें इस सब्जी में कुछ और भी ऐड करना है, तो आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। तो मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच मलाई। जो दूध हमारे घर पर आता है उसी की मलाई लेनी है हमें। आप चाहें तो इसकी जगह अमूल क्रीम वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पर इसे मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें एक और ख़ास इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाली हूँ, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और 2 मिनट तक इस सब्जी को और मैंने पका लिया है। और 2 मिनट पकाने के बाद अब आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इस सब्जी को थोड़ी देर आपको ठंडा होने देना है और उसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब ये सब्जी थोड़ी देर ठंडी हो गई हल्की सी, तो मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 5 चम्मच दही। ये फ्रेश दही ली है मैंने और दही डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। सब्जी हमारी हल्की हल्की ठंडी हो गई है तब मैंने इसमें ऐड किया है दही। तो दही डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह आपको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, इसका बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप एक बार ऐसी सब्जी बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे हमेशा यही सब्जी खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ मैंने ये दही अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ ये सब्जी पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुई है, एक स्टेप अभी और बाकी है। तो उससे पहले मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर दीजिए। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो यहाँ वो लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इस सब्जी में लगाएंगे एक स्पेशल तड़का। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन गरम करने रख दिया है और इसमें डाला है 2 चम्मच घी। और जब घी गरम हो जाए तो उसमें डालें 1/2 चम्मच राई,
दस बारह कड़ी पत्ते और आधा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर। ये कलर के लिए ऐड किया है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। और अब ये तड़का हमारा तैयार है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ये तड़का अब आप सब्जी में ऐड कीजिए और अब आप सब्जी को ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे अच्छी तरह आप मिक्स कीजिए। अब ये आपकी बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्टी टमाटर प्याज की सब्जी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।